अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गो के आजकल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और सारी नज़रें जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर लोगों की टिकी हुई हैं, लेकिन ICC चैंपियंस ट्रॉफी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर कर दिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों ने शिरकत करनी है। जो फैंस हैं पाक इंडिया के, उनके जहन में एक ही सवाल है कि इंडिया के मैचेस कहाँ पर होंगे, क्या इंडियन की टीम पाकिस्तान आएगी। तो इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के तमाम तौर मैचेस जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो किस शहर में खेले जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी कब से शुरू हो रही है, जो ICC को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल शेयर किया है वो किन किन डेट्स का है। 3 वेन्यूज हैं, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, कराची का स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम लाहौर। सबसे ज़्यादा मैचेस किस वेन्यू पर खेले जाएंगे, तो ये तमाम तर सवाल के जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि हमने आपको ये पिछले दिनों आप वीडियो देख सकते हैं कि कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है, और इसके हवाले से हमने आपको एक डिटेल व्लॉग भी किया था कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो तोड़ फोड़ हो रही है सारी वो हमने बता दी थी, वो आप स्पोर्ट्स माइक के ऊपर ये चीज़ें देख सकते हैं सारा। तो जनाब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर किया है वो है 19 फरवरी से 9 मार्च तक। ये 15 दिनों का जो टूर्नामेंट है, 17-18 दिनों का, ये ICC के साथ शेयर कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी हम 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक कराची, रावलपिंडी और लाहौर में करवाना चाहते हैं। अब शेड्यूल डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो शेयर कर दिया है, लेकिन ये फाइनल शेड्यूल नहीं है, बल्कि ICC इसको फाइनल करेगा। इसमें 1 या 2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन्हीं डेट्स के अंदर खेली जाएगी। इसके साथ साथ जो लिखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इंडिया की टीम, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम तर सवाल जो है वो इस वक्त सिर्फ इंडियन टीम के ऊपर ही है, बाकी 6 टीमों ने तो पाकिस्तान आना ही आना है, उन्होंने से अभी तक किसी एक ने भी इनकार नहीं किया। अलबत्त इंडिया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि शायद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान ना आ सके, उनकी हुकूमत ने अगर उनको मना कर दिया, तो इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज जो है वो इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान PCB ने जो ICC को कहा है वो ये है कि इंडिया के तमाम तर मैचेस जो है वो कजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, भारतीय टीम लाहौर से बाहर किसी और शहर में ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय टीम को जैसे कि वो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इसी वजह से इंडिया के तमाम तर मैचेस कजाफी स्टेडियम में रखे गए हैं। टूर्नामेंट में जो फाइनल है और 7 मैचेस टोटल लाहौर में खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल भी शामिल है और एक सेमीफाइनल भी हो सकता है, लेकिन उसका अभी तक कन्फर्म नहीं है। इसके साथ साथ जो कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम है ओपनिंग सेरेमनी करेगा, क्योंकि फाइनल लाहौर को दिया गया है, तो इसलिए कराची एक बड़ा शहर है, इसी वजह से जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कराची के हिस्से में आई है, और एक सेमीफाइनल भी कराची को दिया गया है। टोटल 3 मैचेस जो है वो कराची में खेले जाएंगे, एक ओपनिंग सेरेमनी, एक सेमीफाइनल और एक फिर लीग मैच खेला जाएगा वहां पर। इसके साथ साथ रावलपिंडी में भी एक सेमीफाइनल रखा गया है और टोटल 5 मैच दिए गए हैं रावलपिंडी को। सबसे ज्यादा लाहौर के पास हैं 7 मैचेस, कराची के पास हैं 3 मैचेस और 5 मैचेस हैं रावलपिंडी के पास, जिसमें एक सेमीफाइनल भी शामिल है, एक सेमीफाइनल कराची, एक सेमीफाइनल रावलपिंडी, जबकि फाइनल दिया गया है लाहौर को। पूरी तरह वो कहते हैं ना कि इंसाफ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि किसी एक शहर के साथ भी ज्यादती ना हो, कल को कराची वाले ये ना कहें कि भाई ये तो लाहौर के अंदर सारे मैचेस करवा रहे हैं तो भाई आपको ओपनिंग सेरेमनी दी गई है। इसी तरह से पिंडी वाले भी नहीं कह सकती है कि हमें कम मैचेस दिए गए हैं, वहां पर भी एक सेमीफाइनल रखा गया है। टूर्नामेंट में टोटल 15 मैचेस खेले जाएंगे, और ये तमाम तरह की तफसीलियात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के साथ शेयर कर दी है। अब ICC जो है यही शेड्यूल आगे बाकी जो नेशंस हैं, जिसमें से इंडिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका वगैरह, इन सब के साथ शेयर करेगा कि भाई ये शेड्यूल है, क्या आप लोगों को इस शेड्यूल के ऊपर कोई एतराज है। अगर किसी मुल्क की जानब से एतराज आता है शेड्यूल के ऊपर, तो फिर ICC उनसे पूछेगा कि किस चीज के ऊपर आपको एतराज है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर टीम ने अपने अपना शेड्यूल देखना है, अपने प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखनी है। जो FTP ICC की चैंपियंस ट्रॉफी की वो तो यही है, लेकिन फिर ICC उसमें से गुंजाइश निकाल देगा 1 या 2 दिन का, क्योंकि ज्यादा तो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी 1 महीना पीछे की जाए या 1 महीना आगे की जाए। तो चैंपियंस ट्रॉफी इन्हीं डेट्स के दरमियान खेली जाएगी, अलबत्ता 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। जो तमाम दर टीमें हैं फिर वो जाहिर सी बात है कुछ 1 हफ्ता कबल पाकिस्तान आएंगी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो वैसे भी पाकिस्तान आ चुकी होंगी, क्योंकि तीनों मुल्कों के दरमियान एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो यहाँ पर हो रही है। एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान ने सैफ अली की सीरीज की मेजबानी करनी है। इसके साथ साथ जो PCB ने एक और अपडेट जारी की है, बल्कि ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन हमारे पास जो पहुंची है वो ये है कि कजाफी स्टेडियम में तो अपग्रेडेशन का काम जो शुरू हुआ है
उसमें ऐसे नहीं है कि पूरे कजाफी स्टेडियम को तोड़ा जाएगा, बल्कि चूंकि अभी जो ड्रेसिंग रूम्स हैं, जो डगआउट्स हैं प्लेयर्स के, वो अभी रिसेंटली बने हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा आया था उसकी, तो डगआउट्स वहीं पर रहेंगे जहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि बाकी जो एरिया है वो थोड़ा सा ग्राउंड के करीब लाया जाएगा और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस बनाए गए नए, ताकि वहां पर एक बेहतरीन व्यू मिल सके शायकीन को और थोड़ा सा वो स्टेडियम के करीब जाके वो मैच देख सके, अपने प्लेयर्स के थोड़ा सा करीब जाएं और वहां पर वो मैच देख सकेंगे। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से तमाम तरह अपडेट्स आई थी, इसके अलावा भी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको साथ साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।